सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हम भारत में जल संसाधनों की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। धरातलीय जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद है, किन किन क्षेत्रों में ये जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, किन क्षेत्रों में यह कम मात्रा में मौजूद है। इसी संदर्भ में आज हम भारत की ऐसी नदी घाटी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं जिनको हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम भी देते हैं। जैसे अपने नाम से ही अपने को मालूम पड़ रहा है, बहुत सारे उद्देश्य ऐसी परियोजना से हम हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसी कारण इन परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय नाम देते हैं। भारत में इन योजनाओं की शुरुआत किस कारण से हुई, क्या आवश्यकता महसूस हुई कि इन नदी घाटी परियोजनाओं की हम शुरुआत करें ताकि हमारा देश कृषि, विद्युत उत्पादन, औद्योगिकरण तथा अन्य कार्यों में विकास कर सके। इसी संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। भारत में जो वर्षा का वितरण पाया जाता है, असमान वर्षा का वितरण पाया जाता है। कुछ एक क्षेत्रों में पूरे साल भर नदियां प्रभावित होती हैं और वो वर्षा काल में उन नदियों में अत्यधिक वर्षा का पानी प्रभावित होता है, कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और वो पानी व्यर्थ बह जाता है और समुद्र में जाकर गिर जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऐसी परियोजना की शुरुआत करने की सोची और 7 जुलाई 1948 को अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको हम दामोदर घाटी परियोजना का नाम देते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना का नाम देते हैं, उसकी शुरुआत होती है ताकि नदी का जो पानी है, अतिरिक्त पानी है, उसको रोक कर हम अनेक उद्देश्य उससे प्राप्त कर सकें। और इसी कारण से हमारा जल संसाधन का भी उचित उपयोग हम उस क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं उनमें कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 1948 को होती है और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, शुरुआत 1948 में होती है। हम बहुउद्देशीय परियोजना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जैसे दामोदर नदी की बात करते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का सोख भी कहते हैं। वर्षा काल में अत्यधिक जल इस नदी में आ जाता है जिसके कारण से बंगाल में बाढ़ आ जाती है और इसी कारण इस नदी को बंगाल का सोख भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण का काम इस नदी घाटी परियोजना के द्वारा संभव होता है। सिंचाई, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई की सुविधा इस परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी परियोजना से हम जल विद्युत का उत्पादन भी करते हैं, साथ ही कृषि का विकास भी संभव हो पाता है, क्योंकि पूरे साल भर हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हम औद्योगिक विकास भी इन योजनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। जल विद्युत हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास पानी की सुविधा पूरे साल भर उपलब्ध होती है, जिसके कारण से हम बड़े उद्योग
ऐसी परियोजना के आसपास स्थापित कर सकते हैं। साथ ही वनों का विकास, मिट्टी कटाव को रोकना, क्योंकि बाढ़ से संबंधित ये नदी है तो मिट्टी कटाव भी वर्षा काल में ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत वो बहकर अन्यत्र चली जाती है। मिट्टी कटाव को रोकना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही स्वच्छ जल का हमें स्वच्छ जल की हमें प्राप्ति होती है। मछली उत्पादन का कार्य हम इन परियोजनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। मलेरिया की रोकथाम, जल यातायात की सुविधा और पर्यटन विकास इस योजना के उद्देश्य हो सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अनेक उद्देश्य जो हमने अभी बताए वो हो सकते हैं। इसी कारण इन नदी घाटी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम देते हैं। हम दामोदर घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं। इसमें जब हम व्यय की बात करते हैं तो योजना में कुल 170 करोड़ रुपए व्यय होते हैं और इस बहुउद्देशीय परियोजना को दो चरणों में पूरा किया गया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण की हम बात करते हैं, यहां 5 बांधों का निर्माण किया गया प्रथम चरण में और एक ताप विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया, ताप विद्युत ग्रह का ग्रहों का निर्माण किया गया। सबसे पहले हम तिल्लिया बांध की बात करते हैं जो बाराकार नदी पर स्थित है और इस तिल्लिया बांध पर एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया जिसकी उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है और तिल्लिया बांध बाराकार नदी का यहां बना गया। दूसरा कोनार बांध, जो कोनार नदी पर बनाया गया और इस बांध के द्वारा लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई संपन्न की जाती है। कोनार बांध यहां बनाया गया, 40,000 हेक्टेयर भूमि पर इस बांध के द्वारा सिंचाई संपन्न होती है। तीसरा मैथान बांध, जो बाराकार नदी पर तिल्लिया बांध से आगे यहां मैथान बांध का निर्माण किया गया। बाराकार नदी पर यह बनाया गया और 90,000 हेक्टेयर भूमि पर इस बांध के द्वारा सिंचाई कार्य संपन्न होते हैं। यहां इस बांध पर 3 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया जिसकी उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट प्रति विद्युत ग्रह की रखी गई, यानी 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन का निर्माण इन विद्युत ग्रहों से, प्रति विद्युत ग्रहों से यहां होता है। चौथा पंचेत बांध बनाया गया जो दामोदर नदी पर स्थित है। यह पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है और 40,000 किलोवाट विद्युत का यहां उत्पादन होता है, विद्युत ग्रह यहां स्थापित है। पांचवा दुर्गापुर सिंचाई बांध, दामोदर नदी पर स्थित यह बांध लगभग 4,02,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का कार्य इस बांध के द्वारा संपन्न होता है। यह बांध दुर्गापुर नामक जगह पर इसलिए बनाया गया ताकि ये जो नदियां हैं जिसमें बाराकार नदी है, कोनार नदी है, दामोदर नदी है, अतिरिक्त पानी को यहां इकट्ठा किया जाता है,
जिसको हम दुर्गापुर बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए दुर्गापुर सिंचाई बांध एक महत्वपूर्ण बांध है जो पानी के बहाव को नियंत्रित करता है, साथ ही लगभग 4.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के कार्य भी इस बांध के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस बांध में सबसे महत्वपूर्ण जो अगली बात है वो इस बांध पर ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। यहां 3 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया जिसको हम बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा का नाम देते हैं। यहां 3 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया जिनकी कुल क्षमता 9 लाख किलोवाट की है। तो इस प्रकार ये 6 कार्य है, तिलैया बांध, कोनार बांध का निर्माण, मैथान बांध का निर्माण, पंचेत बांध का निर्माण, दुर्गापुरा सिंचाई बांध का निर्माण और ताप विद्युत ग्रह। तो इस प्रकार 6 प्रकार के जो कार्य हैं वो बहुउद्देश्य दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में ये पूरे किए गए। इसके अगले चरण में जिसको हम द्वितीय चरण भी नाम देते हैं, इस चरण में अय्या बांध, बाल पहाड़ी बांध, बोकारो और बर्मा बांध का निर्माण किया गया और यहां पर विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया जिससे यहां जल विद्युत का उत्पादन संभव हो सके। तो इस प्रकार 2 चरणों में दामोदर नदी घाटी परियोजना का काम पूरा होता है। क्योंकि हम बहुउद्देश्य नदी घाटी की बात कर रहे हैं, दामोदर नदी घाटी की बात कर रहे हैं, इस परियोजना से दामोदर घाटी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर झारखंड हो, क्या फायदे इस बहुउद्देशीय परियोजना से इस क्षेत्र को हुए, इसकी चर्चा हम करते हैं। क्योंकि बहुउद्देशीय कारणों से इस परियोजनाओं की हमने निर्माण किया तो इस क्षेत्र को, दामोदर घाटी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको क्या फायदा, क्या उद्देश्य हमने इससे प्राप्त किए। बाढ़ नियंत्रण का काम हमने इससे किया, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ होते हैं, संपन्न होते हैं और लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर यहाँ सिंचाई संपन्न होती है जिसके कारण से रबी की फसल और खरीफ की फसल का उत्पादन सिंचाई के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि यहाँ देश की लगभग 10% विद्युत उत्पादन इस परियोजना के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण परियोजना। क्योंकि कुल विद्युत उत्पादन का, भारत की कुल विद्युत उत्पादन का इस नदी घाटी परियोजना से 10% का हिस्सा उत्पादन होता है। कृषि विकास से संबंधित अगर बात करते हैं, यहाँ 15 लाख एकड़ भूमि पर खरीफ की फसल और 4.5 लाख एकड़ भूमि पर रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यह क्षेत्र इस बांधों के निर्माण के बाद में, यानी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत के बाद में सिंचाई का जो क्षेत्र है, कृषि का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ा है और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हुआ है। अब हम इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की बात करते हैं। क्योंकि भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसको मानते हैं, खनिज संसाधनों की प्राप्ति के आधार पर छोटा नागपुर का जो पठार है वो उसको भारत को का खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। और इसी कारण भारत के बड़े उद्योग यहाँ स्थापित हुए हैं। क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना से
जल की प्राप्ति, विद्युत की प्राप्ति, साथ ही परिवहन की सुविधा के कारण से यहाँ बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। तो यहाँ हम दामोदर घाटी से संबंधित जो उद्योग हैं उनका जो विकास हुआ है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ सिंदरी खाद कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन रेल इंजन बनाने के कारखाना और आसनसोल में लोहा इस्पात उद्योग कारखाना स्थापित किया गया, साथ ही टेलीफोन से संबंधित कारखाना भी यहाँ स्थापित किया गया। इसके साथ साथ हम वनों की विकास की बात करते हैं तो इस परियोजना के साथ साथ लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसके कारण से क्षेत्र में वनों का विकास भी संभव हुआ है। मिट्टी कटाव को रोकना, स्वच्छ जल की उपलब्धता, मछली उत्पादन में वृद्धि, जल यातायात, पर्यटन उद्योग आदि ने भी इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार हमने दामोदर नदी घाटी बहुउद्देश्यीय परियोजना की बात की, जिसके कारण से इस क्षेत्र में के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दामोदर घाटी परियोजना के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ, काफ़ी लाभ हुआ, जिसके कारण से यहाँ सिंचाई, उद्योग धंधे, पर्यटन, स्वच्छ जल का विकास, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी कटाव का नियंत्रण आदि संभव हो पाया है। तो महत्वपूर्ण ये नदी घाटी परियोजना भारत में वर्तमान में अपना अहम रोल निभा रही है और आगे भी ये इनकी भूमिका देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।